अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 बनाने जा रहे हैं। मैथ्स का है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि 8.13 में जो दिया हुआ है आकृति वो क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR जिसका मान दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें से दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड हम लोग को निकालना है। तो तीसरा साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय का उपयोग करके। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय का उपयोग करते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है क्या वो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन दिया गया है त्रिभुज ए सॉरी PQR में, जिसमें हम लोग का दिया हुआ है जिसमें PQ इज इक्वल टू कितना है, PQ इज इक्वल टू हमको मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया हुआ है PR। देखिए यहाँ पे PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तो PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि QR हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं QR इज इक्वल टू व्हाट, QR इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय से उसका निकाल लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से तो हमको क्या पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो लंब यहां पे क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस QR। तो हमको यही तो निकालना है QR का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पे PR कितना दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QR नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे QR स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR नहीं दिया हुआ इसको छोड़ देंगे जस्ट के तस। अब देखिए इक्वल के अगर दूसरा साइड लेकर के आते हैं तो वो प्लस में रहता है, वो माइनस में आ जाता है। देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में रहता है। तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QR का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 4 जाएगा तो 5, फिर 6 में 4 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब देखिए QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर QR को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए QR अब Q इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे QR का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए हमको निकालना क्या है, टाइम पी
और cot r का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे therefore, मतलब चूंकि tan p माइनस cot r, तो यहाँ पे लिखेंगे cot r। अब देखिए tan p का फॉर्मूला क्या होता है, p by b, cot r का क्या वैल्यू होता है फॉर्मूला, b by p। उसके बाद देखिए अब tan p, अब ये tan यहाँ पे एंगल है p, तो हम क्या बोले थे कर्ण, और जो यहाँ पे जो ये होता है मतलब कि ये एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका जो सामने वाला होता है वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये जो एंगल यहाँ पे सटा हुआ था जिस भुजा से वो हो जाता है आधा, मतलब ये हो गया b। तो p बाय p मतलब कि 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 माइनस। अब देखिए बोल रहा है कॉट आर, कॉट आर का मतलब कि कॉट ये हो गया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस इसके लिए कौन हो जाएगा, देखिए ये इसके लिए ये सटा हुआ है, तो ये हो गया b, मतलब कि इस r के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये बोल रहा है b by p, तो b कौन क्या हो जाएगा 5/p, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए एक माइनस में दिया एक प्लस में दिया, तो ये इससे कट जाएगा, यही इसका आंसर 0 हो जाएगा। थैंक यू।